अगर कट्टे स्पीच एक और खबर सामने आ रही है, आज डिंपल और शिवपाल यादव कानपुर में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सपा उम्मीदवार के समर्थन में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव आज कानपुर में रोड शो करेंगी। तो वहीं मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर भी रोड शो में शामिल होने जा रहे हैं। इधर सपा नेता शिवपाल यादव 3 जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज डिंपल यादव शिवपाल यादव कानपुर में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। रोड शो करते हुए नजर आएंगे कानपुर में आज डिंपल यादव। तो वहीं मछली शहर के सपा विधायक रागिनी सोनकर भी रोड शो में शामिल होने जा रही है। इधर सपा नेता शिवपाल यादव की बात की जाए तो शिवपाल यादव 3 जनसभा को संबोधित आज करने वाले हैं। तो शिवपाल यादव भी अब मैदान में आ रखे हैं और यहां पर उनकी तरफ से जनसभाएं की जाएंगी। कानपुर से संवाददाता रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी देंगे। रतीश, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अब धीरे धीरे मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन सबके बीच डिंपल यादव शिवपाल यादव भी कानपुर में रोड शो करने जा रहे हैं, क्या तैयारी आप देख रहे हैं इसके लिए और किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको कार्यक्रम बता देते हैं कि डिंपल यादव का 2 से 2:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है और बाबूपुरवा से उनका रोड शो शुरू होगा अपने महापौर पद के प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में, और करीब 5 किलोमीटर तक ये रोड शो होगा जो यशोदा नगर बाईपास पर खत्म होगा। शिवपाल सिंह यादव की अगर बात की जाए तो वो 4 बजे के आसपास कानपुर पहुंचेंगे। उनके 3 कार्यकर्ता सम्मेलन है जो चकेरी मोड़ पर है और गुजैनी इलाके में है। अगर इन सबके पीछे की रागिनी सोनकर की बात की जाए जो मछली शहर से विधायक है, वो भी रोड शो में सम्मिलित होंगी। यानी समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत, पूरा फ्लो, पूरा फोर्स ये कह सकते हैं कि झोंक दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कानपुर में उम्मीद नजर आ रही है कि वो यहाँ पर जीत सकती है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि महापौर पद के प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी इतनी ठीक ढंग से चुनाव में आई हो या लड़ी हो, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही हमेशा मुकाबला होता आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार किसी का भी खेल बिगाड़ने की बात कह रही है। अब बात करते हैं रोड शो की, तो डिंपल यादव यहां पर करीब 2:30 बजे के आसपास कानपुर पहुंचेंगी और जहां पर ये लोग आ रहे हैं डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, ये किदवई नगर विधानसभा लगती है और किदवई नगर विधानसभा पर सभी प्रत्याशियों की बड़ी नज़र लग गई है, नज़र टिकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने सभी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं और शहर की 10 सीटों में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बाहुल्य सीट किदवई नगर विधानसभा को माना जाता है, जहाँ पर 2 लाख ब्राह्मण हैं। और ऐसे में अजय कपूर जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं 3 बार के, उनका भी एक पर्सनल वोट वहाँ पर करीब 70,000 के आसपास माना जाता है। तो कांग्रेस की बाँछें खिली हुई हैं कि किदवई नगर विधानसभा में उन्होंने मजबूर कर दिया है बीजेपी के बड़े नेताओं को आने के लिए। कल मुख्यमंत्री भी आएंगे, वो भी किदवई नगर विधानसभा के अंतर्गत ही रैली कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी आएंगे, वो भी किदवई नगर विधानसभा के अंतर्गत अपने रोड शो और रैली को करेंगे। और आज जो दिग्गज आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के, तमाम दिग्गज बीजेपी के आ रहे हैं, वो भी किदवई नगर विधानसभा में प्रचार करने जा रहे हैं। पूरी ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो आज डिंपल यादव का 5 किलोमीटर के आसपास का ये रोड शो रहेगा। करीब 4 घंटे वो शहर में रहेंगी और शिवपाल सिंह यादव करीब 3 घंटे में 3 कार्यकर्ता सम्मेलन जुटाएंगे। समाजवादी पार्टी इन दोनों के मैदान में उतरने के बाद सपा के लिए राहत मिलनी आसान होने वाली है। बहुत शुक्रिया रतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।